परी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई वर्ष पहले मैजिकल वर्ल्ड था, वहाँ बहुत सी परियाँ रहती थी। उन्हीं परियों में एक रिया नाम की भी परी अपनी माँ के साथ रहती थी। रिया परी की माँ बहुत ही गरीब थी और घर का खर्चा मुश्किल से चला पाती थी। इसी कारण रिया परी की माँ ना ही अपने लिए और ना ही रिया परी के लिए कपड़े खरीद पाती थी। कुछ दिनों में होली का त्योहार था, सभी परियों होली का सामान खरीद रही थी और बहुत ही खुश थी। रिया परी सबको देखकर अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ सभी परियाँ होली का सामान खरीद रही हैं, मुझे भी पैसे दीजिए, होली के लिए सामान खरीदना है और ड्रेस भी लेनी है। बेटी इस साल हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, पर हम अगले साल जरूर लेंगे। नहीं मुझे अभी चाहिए, मेरी सभी दोस्त अपने लिए ड्रेस खरीद रही हैं, मुझे भी चाहिए। मैंने एक बार कहा ना, नहीं मतलब नहीं, अब जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। रिया परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और बाहर चली जाती है। एक परी रिया परी के पास आई और बोली, क्या हुआ रिया परी, होली की शॉपिंग नहीं करनी, मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ड्रेस लेने के लिए पैसे दे सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरे काम करना होगा। क्या काम है बोलो। तुझे मेरे घर का सारा काम करना होगा, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाना तक। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, खुद ही अपना काम करो। फिर रिया परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। वह जंगल एकदम सुनसान था और वहाँ कोई भी नहीं था। रिया परी बोली, मुझे पता कैसे नहीं चला, मैं तो जंगल में आ गई, पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे भी सभी परियाँ होली मना रही हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, वहाँ सब देखने से तो अच्छा होगा कि मैं कल तक यहीं रहूं। फिर रिया परी वही नदी के किनारे बैठकर सो जाती है और कुछ समय के बाद जब उसकी आँख खुली तो वह अपने सामने देखती है कि एक जादुई ड्रेस जो कि हवा में उड़ रहा था और बात भी कर रहा था। ये सब देखकर रिया परी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। तभी वह जादुई ड्रेस बोलने लगा और बोला, इतना सोचो मत, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और तुम यहाँ दुखी क्यों बैठी हो, मुझे सब पता है, बोलो तुम्हें क्या क्या चाहिए। मैंने तो जादुई ड्रेस पहली बार देखा है और वो भी बोलता हुआ, कल होली है और सभी परियाँ होली की तैयारियाँ कर रही हैं और बहुत ही खुश हैं। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं होली मना सकूं। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर जादुई ड्रेस अपनी जादुई शक्ति से रिया परी को बहुत सारे पैसे देती है। इतने सारे पैसे देखकर रिया परी बहुत ही खुश हो जाती है और उस जादुई ड्रेस को धन्यवाद देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। परी की सौतेली माँ। यह कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक से। उस परीलोक में एक तारा नाम की परी रहती थी। तारा परी की एक सौतेली बेटी थी जिसका नाम सेजल जलपरी था। क्योंकि सेजल जलपरी तारा परी की सगी बेटी नहीं थी, इसीलिए तारा परी सेजल जलपरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दरअसल तारा परी सेजल जल एक समुद्र के किनारे से लाई थी, क्योंकि सेजल जलपरी वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी और तारा परी को सेजल जलपरी पर दया आ गई, इसीलिए वह उसे लाई। पर सेजल जलपरी को नहीं पता था कि तारा परी उसकी सौतेली माँ है। एक दिन सेजल जलपरी बोली, माँ मैं जलपरी जैसी क्यों दिखती हूँ, आप सबके जैसी क्यों नहीं। तारा परी बोली, क्योंकि तुम्हें किसी राक्षस ने श्राप दिया था इसीलिए तुम जलपरी बन गई। पर मैं ठीक नहीं हो सकती क्या। तारा परी बोली, नहीं अब मुझसे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से और जाकर खेलो। सेजल जलपरी वहाँ से चली जाती है। तभी एक परी तारा परी के पास आई और बोली,
आज भी सहजल परी वही पूछ रही थी। मैं तो कहती हूँ उसे वापस उसी समुद्र में छोड़ कर आओ, वैसे भी वो तुम्हारी बेटी नहीं है। तारा परी बोली, सर तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यही सही रहेगा, हमें उसे उसी समुद्र में छोड़ कर आना चाहिए। पर हम उसे कैसे ले जाएंगे, उसे तो पता चल जाएगा। वह परी बोली, जब वह सो रही होगी तभी हम उसे ले जाएंगे। हाँ ठीक है। दोनों परियां शाम होने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ ही समय में शाम हो जाती है। सहजल जलपरी अपने कक्ष में सो रही थी। तारा परी सहजल जलपरी के कक्ष में पहुंच गई। तारा परी सहजल जलपरी को उठा लेती है और वहां से चली जाती है और कुछ ही देर में समुद्र के पास पहुंच जाती है और सहजल जलपरी को वहीं डालकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में बारिश होने लगती है। तभी सहजल जलपरी की नींद खुल जाती है। खुद को एक समुद्र के पास देखकर सहजल जलपरी रोने लगती है। तभी जोर से बिजली कड़कती है और एक जादुई सोने का शेर प्रकट होता है। सहजल जलपरी बहुत ही डर जाती है। तभी वह शेर बोलने लगता है और कहता है, कौन हो तुम और यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सहजल जलपरी बोली, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो बस परीलोक में सो रही थी और अचानक यहाँ आ गई, पता नहीं मैं कैसे यहाँ आ गई। जादुई शेर बोला, तुम तो एक जलपरी हो, तुम्हें तो समुद्र में रहना चाहिए। पर मैं हमेशा परीलोक में रहती हूँ, फिर मैं समुद्र में कैसे रह सकती हूँ? जादुई शेर बोला, तुम परीलोक की नहीं हो, मैं अपने जादू से पता लगा सकता हूँ कि तुम कौन हो। सहजल जलपरी बोली, पर कैसे, तुम कैसे पता लगा सकते हो? जादुई शेर बोला, तुम चिंता मत करो, तुम रुको मैं अभी पता लगाता हूँ। शेर को उसकी जादुई शक्ति से सब पता चल जाता है और कहता है, तुम्हें यहाँ तुम्हारी माँ छोड़ कर गई है। पर क्यों, वो ऐसा क्यों करेगी? शेर बोला, वो तुम्हारी सौतेली माँ है और तुम्हें यहीं से ले गई थी। पर उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मुझे यहाँ से ले गई थी, पर अब मैं कहाँ रहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए तारा परी को सबक सिखाऊंगा। पर मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, वो मेरी माँ है। तभी शेर को सोचने के बाद कहता है, तुम यही रुको मैं अभी आता हूँ। शेर वहाँ से चला जाता है और परीलोक में पहुँच जाता है। इतने बड़े शेर को देखकर तारा परी बहुत ही डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी शेर उससे कहता है, रुको नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तारा परी वहीं पर रुक जाती है। शेर बोला, तुमने जो भी सहजल जलपरी के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तारा परी बोली, पर तुम्हें कैसे पता चला? जादुई शेर बोला, मैं एक जादुई शेर हूँ, मुझे सब पता चल चुका है, अब तुम नहीं बच सकती। तारा परी के काफी माफी मांगने के बाद जादुई शेर उसे माफ कर देता। तारा परी सहजल जलपरी को फिर से परीलोक में ले आती है और उसके साथ खुशी से रहने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।